इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान हमारे आगे बढ़े, गंगा माँ का दर्शन हुआ। देखिए थोड़े ही चले आगे, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जग पावन गंगा, गाधे सोनु सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरि मैया आए, तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विनिद दान मई देवन पाए, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, एक विदेह नगर रम्य तारा जब देखी, हर्षे अनुज समेत विसेखी, पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। भगवान चले गुरु सानिध्य में, चले कहाँ, गंगा माँ का दर्शन हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय। हजार नहीं 10,000 योजन दूर कोई जीव बैठा हो, गंगा माँ का स्मरण करके जयकार लगा दे, उसके सारे पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा। जो भी हो कितना सरल है, गंगा दर्शन, पंचवटी दर्शन, पीपल दर्शन, बटवृक्ष दर्शन, आम्र दर्शन, जामुन दर्शन, तुलसी जी के बिरवा का दर्शन, शालग्राम दर्शन, नर्मदेश्वर दर्शन, भगवत दर्शन, ये सब पुण्य बढ़ाने की विधाएं हैं। मंदिर क्यों जाते हैं, पुण्य बढ़ता है। संत दर्शन क्यों जाते हैं, पाप नष्ट होता है। संत दर्श जिम पातक तरे, कितनी बढ़िया औषधि है, खा लो बस। कई लोग पूजा नहीं करते, उनका मन ही नहीं लगता है, परंतु आप उनको मंदिर सेवा में कहीं लगा दो तो आपसे अधिक भगत जिससे अधिक वो डटे रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, देखो भाई हमको कार्यालय का कोई काम बता दो, पूजा वूजा वाला ना बताओ, वो भी पूजा है, जो कार्यालय में हो रहा है लिखा पड़ी वो भी पूजा है, क्यों हो तो भगवान के लिए ही रहा है। हम केवल धूप दीप को पूजा न माने, भगवान के प्रति जो किया गया कर्म सब पूजा है, मंदिर के पारखत की सेवा करना भी पूजा है, फूल माला बनाना भी पूजा है। नव भक्ति है ना, श्रवणम कथा सुनना भी पूजा है, ये भक्ति है। कीर्तनम भगवन नाम संकीर्तन करना, भगवान का बैठे बैठे स्मरण करना, भगवान का स्वरूप कैसा है, माधुर्य कैसा है, भाव कैसा है, चलनी कैसी है, बोलनी कैसी है, इसका स्मरण करना ये पूजा है, भक्ति है। अर्चनम सामग्री से पंचोपचार, खोडशोपचार, शतोपचार, शास्त्रोपचार, कोट्योपचार, भगवान को कुछ सुनाना, वंदनम, हम केवल ठाकुर के हैं ऐसा भाव, दास भाव, ये भी भक्ति है, पूजा है। कुछ सुनाए रहो ठाकुर को, जो उनको प्रिय हो सुना दीजिए। मेरे प्रभु, प्रधान जी आगे आइए, आने दो, इधर आओ इधर आओ, वहां कहां बैठ गए यार, ये महात्मा प्रधान हमारे दिल्ली, ऊपर ही बैठना, नीचे नहीं, भाव नंबर एक दिल्ली, तो फिर आप कहां पीछे बैठ जाते हो यार, हाँ हाँ पास बैठ। मेरे दिल्ली चैप्टर के प्रेसिडेंट श्रीमान शिव हरिजी सिंगला बहुरानी, अद्भुत हैं प्रधान। मैं जब दिल्ली आता हूं तो इन्हीं के पास रुकता हूं,
तो भगवान की सेवा कैसी भी आप बना लो, जैसी आप बना लो, और लेकिन आप बनाओ तो उसको महसूस करो हम सही हैं, पूछो मत। जो भी आप करते हैं उसको मानो कि हम सही करें। हम कथा करते हैं, कथा करते हैं तो हम सही काम करते हैं, हमें कोई संदेह नहीं। ठाकुर जी सुन रहे, हनुमान जी शिव जी सुन रहे, सुना रहे, सही सुना रहे। अपने किसी व्यवहार में संशय नहीं, और संशय हो उस काम को तत्काल ताला लगा के चाबी समुंदर में फेंक दो, करो ही नहीं। जिस कार्य में संदेह हो वो कार्य कदापि नहीं करने योग्य है, करना नहीं चाहिए। जहां तन रहे मन न रहे उस स्थान पर रहना नहीं चाहिए। आप अपने को समाप्त कर लें, ठीक बात नहीं। बाबा ने क्या कहा, तजो मन हरि विमुखन को संग। सूरदास जी महाराज क्यों, जिनके संग कुबुध उपजत है परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन को संग। सूरदास जी, कबीर बाबा, गोस्वामी जी, इसी प्रकार के पद सीधा कहा गया है। इन कर संग सदा दुखदाई, जिम कपिल ही घाले हर हाई। करना ही नहीं, प्रभु मुनि संग में है, गंगा दर्शन हुआ, गुरुदेव ने गंगा जी कैसे धरती पर आई, राम जी के ही वंश की प्रशंसा की। ध्यान किएगा, कोई भी दिव्य कार्य, मंदिर सेवा ही है, यज्ञ सेवा है, कोई संस्थान बनाना है, उसमें पीढ़ियां लग जाती है। पीढ़ियों की तपस्या से कोई सिद्धांत प्रसारित होता है। धर्मपाल जी, कल चर्चा हो रही थी ना, 6 पीढ़ी की तपस्या ने आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, अकेले का काम नहीं है ये। मानस 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 पीढ़ियों की तपस्या है, इसकी परंपरा है, पीढ़ियों ने तप किया है। तब गोस्वामी जी, गोस्वामी जी क्या कहते हैं, पुनिमय निज गुरु सन सुनी कथा सुसु करके, समझ नहीं तसी बालपन तब यति रहे। समझ में नहीं आया, मैं बच्चा था, अबोध था, तदपि कही गुरु बार ही समझ परी कछु मति अनुसार। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेही। कोई भी सिद्धांत जब पीढ़ियां तप करती हैं तब स्थापित होता है। एक के बस का है क्या, नहीं। एक व्यक्ति को कितना करना इसकी सीमा है। उस व्यक्ति को उस कार्य को करने के साथ साथ अपने नीचे का जो स्फेरिकल है उसको डेवलप करना चाहिए, बनाना चाहिए। मेरे बाद यह संहार करेंगे, चल पड़ेगा। तो जब मैं आपसे भय कह रहा था, ये बहुत बड़ा भय है। मंदिर समिति है तो मंदिर समिति में वृद्ध लोगों को आगे बढ़ते हुए अपने युवान भाइयों को भी धीरे धीरे मंदिर समिति में प्रवेश कराना चाहिए, अपने संरक्षक बन जाना चाहिए, और नौजवानों को दौड़ दौड़ के काम देखकर प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता, आगे बोलूंगा नहीं। मैंने राजन को नहीं सौंप दिया, मैंने कथा का सिद्धांत राजन को सौंप दिया। जब कहीं ऐसा अवसर आएगा हम वहां नहीं जा पाएंगे तो वहां राजन को ही मैं भेजता हूं, आप जाओ। कितनी कथा हो गया, कथा आनंद के लिए कथा चल रही है, बहुत अच्छी। आप समझ लो, आप अपने घर में भी सिद्धांत बनाओ, जितनी शीघ्रता से अपना दायित्व सौंप दो, आपसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं। कोई चाबी रात को तकिया के नीचे से उठा ले जाए इसके पहले खुदे पकड़ा दो, वो सर दर्द पाले, लो खो।
खो, कितना प्यारा खेल है, खो, समस्या समाप्त। आहा, तीन पीढ़ी की तपस्या नहीं, चार पीढ़ी की तपस्या। महाराज भगीरथ के पहले महाराज अनुसुमान, महाराज असमंजस, महाराज दिलीप, आहा महाराज भगीरथ, तब गंगा मैया का अवतरण हुआ धरा धाम पर। एक पीढ़ी का काम नहीं है भैया, आ गई। आहा सरकार, मिथिला प्रवेश करते हैं। मिथिला कैसी है हो? अरे बड़ी मीठी है, दर्शन करेंगे आप, कल विवाह महोत्सव है। एक आम की बगीची देखकर गुरुदेव भगवान ने कहा, राम जी यही उतारा किया जाए जो गुरु वाक्या। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। सचिवगण विप्र देवताओं के साथ आकर महाराज का स्वागत सम्मान किए। श्री राम लक्ष्मण प्रभु दर्शन करने बाग बगीची का चले गए थे, अनुमति लेकर आए, सबने देखा, उठकर सबने स्वागत किया है प्रभु भैया का। लेकिन जो देखा वो देखते रह गया हो, मिथिलापति ने प्रभु का स्वरूप दर्शन किया तो पूछने लगे, हे मुनिदेव, ये दोनों बालक कौन हैं? मुनि पुत्र हैं अथवा राजपुत्र हैं? मेरे सहज विरागी मन ने इनका दर्शन किया और मेरा मन वैराग्य छोड़कर इन्हीं में रत हो गया है। इन्हीं बिलोकत अति अनुराग, बस ब्रह्म सुख ही मन त्याग। इनको देखकर मेरे सहज विरागी मन ने वैराग्य त्याग दिया है, इनमें लग गया है। क्यों नहीं, इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।